स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फिल्म अभिनेता सनी देओल पीथमपुर के पास महू के इन्फेंट्री स्कूल स्थित इन्फेंट्री म्यूजियम में पहुंचे, जहां उन्होंने इन्फेंट्री स्कूल के सैन्य अधिकारियों के साथ झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद सैन्य अधिकारियों के साथ सनी देओल और करण देओल ने इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम में आकर आजादी के लिए कुर्बान हुए शहीदों के चित्र दर्शाए गए, जिसमें बॉर्डर एवं कारगिल युद्ध की चित्र स्टैच्यू मौजूद थे, जिन्हें देख सनी देओल ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। इस दौरान हथियारों की प्रदर्शनी को देख सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में दर्शाए गए सीन को याद कर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाकर देखा। इस दौरान वहां मौजूद हथियारों की जानकारी मौजूद सैन्य कर्मियों से ली। इस दौरान बॉर्डर एवं गदर 2 के सीन के कुछ पहलू सैन्य अधिकारियों से साझा किए। मौजूद सैन्य अधिकारियों ने सनी देओल को सेना का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हम आपको बता दें कि सनी देओल की मंशा थी कि वह सैन्य जवानों के पास पहुंचे और उनके साथ ध्वजारोहण करें। उसी संबंध में इन्फेंट्री स्कूल फिल्म अभिनेता सनी देओल अपने बेटे करण के साथ महू पहुंचे थे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।